हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 18 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस, और उनकी संपत्ति 150 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2019 से किस प्रकार के लाइसेंस रखने वालों के नाम राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल किए जाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा सभी नए और पुराने बंदूक लाइसेंस रखने वालों के नाम राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित बंगसगर नहर परियोजना को देश के लिए समर्पित किया? तो इसमें आंसर आएगा बंगसगर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पौधागिरी अभियान लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा पौधागिरी अभियान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे कारा का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा कारा का संबंध बाल संरक्षण से है, कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा हथियार कानून 1959 में संशोधन करने की घोषणा की गई है, यह संशोधित कानून कब से लागू किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा 1 अप्रैल 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला रिमोट संचालित माइक्रोस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पेटकॉक किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा पेटकॉक तेल परिष्कृत मिट्टी से संबंधित है, पेटकॉक यानी पेट्रोलियम कॉक पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक सह उत्पादक है जो हैवी मेटल्स के उत्सर्जन और सल्फर की अत्यधिक मात्रा के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं और बाल सुरक्षा पर राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा इस्पात कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा इस्पात मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसमें आंसर आएगा आईडीबीआई बैंक ने, आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कंपनी भेल ने साब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, साब किस देश से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह स्वीडन की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लीथल वाइट नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसमें आंसर आएगा जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के टॉप 100 भुगतान पाने वाले सितारों की सूची जारी की है, इस सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो इसमें आंसर आएगा अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन ग्रैंड पिक्स में लगातार 9वीं जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो इसमें आंसर आएगा मार्क मार्केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आंसर आएगा 10 सदस्य, और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने अपनी पहली गुजराती भाषा टेलीविजन समाचार बुलेटिन लॉन्च की है, इसके ब्रॉडकास्टर साझेदार स्टेशन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इसमें आंसर आएगा बीबीसी समाचार को दिल्ली से सप्ताह में 5 दिन लाइव प्रसारित किया जाएगा, और ब्रॉडकास्टर के साझेदार स्टेशन जिस टीवी पर 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन विस्तार कार्यक्रम के तहत ब्रह्मोस पहली भारतीय मिसाइल है जिसका जीवन 10 से कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का 16 जुलाई को एक बार फिर सफल परीक्षण किया गया, और इसी साल 21 और 22 मई को ब्रह्मोस मिसाइल के दो परीक्षण किए गए थे। इनमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विकसित प्रमुख सब सिस्टम का परीक्षण भी हुआ था। उस दौरान डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल की आयु सीमा 10 से 15 साल तक बढ़ाने के बाद परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा अपने शस्त्रागार में ब्रह्मोस की कितनी रेजिमेंट में शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, 3 रेजिमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की योजना के अनुसार विश्वव्यापी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने लो ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा, 300, और इन 300 उपग्रहों में से पहली सीरीज इस साल के अंत तक लॉन्च की जाएगी, और इसका नाम होंगयान उपग्रह समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपनी सीमा पर 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित की है? तो इसमें आंसर आएगा, पेरू ने। पेरू ने मादक पदार्थों की तस्करी से जूझ रहे क्षेत्रों में शांति स्थापना करने के मद्देनजर कोलंबिया से लगी अपनी सीमा पर 60 दिन का आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में भारत ओमान संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक कहाँ हुई? तो इसमें आंसर आएगा, मैस्केट में। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 16 जुलाई को भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के 8वें सत्र की सह अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के रूप में चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा, रमेश पोवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स विश्व कप के उद्घाटन संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा देश जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, लंदन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एथलेटिक्स विश्व कप के उद्घाटन संस्करण में व्यापक जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के लिए बनाए गए डायन प्रताड़ना प्रतिबंध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा, असम राज्य के लिए। असम में लोगों को, खासकर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर देना पुरानी समस्या और समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में 7 साल की कैद की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डायन प्रताड़ना संरक्षण विधेयक 2015 के संबंध में कौन से कथन सही है? आपका पहला पॉइंट है, इनमें इसमें अपराधी आईपीसी 302 के तहत दंडित होगा। नेक्स्ट है, यह असम राज्य में लागू होने वाला नया कानून है। नेक्स्ट है, इस कानून का उद्देश्य अंधविश्वास को खत्म करना है। नेक्स्ट है, यह एक गैर जमानती कानून है। और नेक्स्ट है, उपयुक्त चारों सही है। तो इसमें आपका पॉइंट होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त चारों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा भारत के किस जिले में दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, दरभंगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इसमें आंसर आएगा, राम सकल सिंह को, और इसके अलावा राकेश सिन्हा को, सोनल मान सिंह को और रघुनाथ महापात्र को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न थाईलैंड ओपन 2018 किस खिलाड़ी ने जीता? आपके ऑप्शन है, साइना नेहवाल, रुचि फारूक, पीवी सिंधु और नोजामी ओकुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी से नहीं डरता हूँ, नामक अभियान की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।